महीने मैं कहती हूँ कि मुझे जाने दीजिए। क्यों? अगर मेरी बहन जान जाएगी ना तो मैं डांट से मार देगी। तेरी बहन? हाँ। इसका मतलब तेरी बहन खतरनाक है? बहुत खतरनाक है वो। अच्छा? हाँ। मलवा के गलवा है लाला रे, लड़ाओ पे चले कमाल चारे। Thank you.
मुझे इससे मर गई है कुटिया है। ये बहुत बड़ा जगह है, आगे चले पाओ। बहुत मजा आया ना। अरे जूता, अरे अरे छूट गया है। मुझे जूते मारा नहीं तो मतलब मालिश कर रहे थे। मालिश अच्छा आराम जाती हम मालिश करो। ए मेरी जूती लाओ ना। अरे लाओ ना जल्दी, ये बहुत बड़ा जगह है। आराम जाने आज हम तेरी जवानी से तुझे जूती काबिल हो इसलिए मैंने जूती मारा है। ठीक है भाई।
Thank you.
बेटी मैना ये मैं क्या देख रहा हूं? उसके हाथों में हथकड़ी और साथ में ये नौजवान कौन है? पिताजी ये बता रहे हो? पिताजी जिस समय मैं जंगल में शिकार करने गई थी, मैं जंगल में शिकार कर रही थी तब तक ये नीच वहां पहुंच गया और ये मेरे सोने का हाथ छीनना चाहा पिताजी और मुझे जान से मारने की धमकी दी। जब तक मैं बचा बचा के आवाज थी तब तक ये नौजवान आ करके मेरी जान तो बचा है पिताजी। पिताजी इसका नाम है बादल। और कमीना का क्या नाम? पिताजी इसका नाम है डाकू लाखर सिंह। डाकू लाखर कहिए डाकू जागीरा का साथी तो नहीं है? नौजवान तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां के रहने वाले हो? महाराज मैं आपकी रिया वो आपकी प्रजा हूं। महाराज जो बड़ा बड़ा जंगल है उस दिन जंगल में मेरी झोपड़ी है। मेरा नाम बादल बहिया है महाराज। बादल तुम्हारी वीरता और बहादुरी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। इसके अवज में हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। मेरे पिताजी से कहने अनुसार आज के बाद
तो मेरे दरबार में सेना पद के ओहदे पर है। कुछ सिपाही लो हसन महाराज लखन सिंह को ले जाओ और इसके पदन पर इतने हंटर मार दो इसकी हड्डी और भाई मैं हाशिम हूँ क्या गुना खेल सिंह तू मेरी हिरासत में रहेगा जाओ जाकर सिपाही राम कुमार बादल को ले जाओ सेना पट्टी वर्दी रहने के लिए क्वार्टर तथा यहाँ कैसा लगता है खुश रहो खुश दरबार का कारोबार देखना दरबार है पर समाप्त किया जाता है क्या चुनाव फिर से तुम्हें हिरासत में है तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा चलो मेरे साथ लेकिन आप हैं कौन मैं डाकू जागीरा हूं नाम तो सुना डाकू जागीरा लेकिन आप तक देखा नहीं लेकिन क्या तुम जागीरा हो जी हाँ इससे मेरी मदद करो यार आश चलो हमारे पास कहीं जागीरा क्या बात तुम्हारी शरीर निकली अरे तू कहता हो कि हम डाकू जागीरा है सिपाही हाशिम मैं सिपाही हाशिम नहीं नहीं सिपाही लाखन सिंह तुम्हें मेरी मदद करना होगा हम तुम्हारी मदद करेंगे हम तो आपको जागीरा है आओ आवाज देने के बाद कुछ मेरी आवाज सुनाई नहीं देती तो क्या इस वक्त जा कर मेरे कमरे से मेरा व्यवस्था लेकर आ जा
क्या देखा रात दरबार में कि मेरी बहन, तेरी बहन मेरा शिकार करने गई है और उसे डाकू राखन सिंह ने छेड़ा और वह बचकर राजमहल तक भी आ गई। मैं तो चाहती थी उसका रेप हो जाता लेकिन वो हुआ नहीं। वो टसे असली हकदार नहीं बनू लेकिन हमें नहीं मिली और इसलिए नहीं मिली कि जब तक मेरे पिताजी इस राज सिंहासन पर विराजमान है तब तक ये राज हमें नहीं मिल सकता। मैं इस राज को के लिए कुछ भी कर सकती हूं। मैं कैसे कैसे मैं इस रियासत की मलका बनू। ये प्रजा तेरी आया राजकुमारी नैना की नाम की जय जयकार करेगी लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं और कैसे करूं। मैंने सोच लिया जिस वक्त मैंने डाकू राखन सिंह को रात दरबार में देखा तभी से आइडिया आया हम क्यों ना डाकू राखन सिंह को अपना मोहरा बनाएंगे और उससे झूठा प्यार का नाटक जपाकर इस राज को अपने वश में कर लेंगे। बचेंगे मेरे पिताजी, अपने पिताजी को इस दुनिया से उठा दो। यहाँ की कोई मार कर कह आए तो मोहरा तुम्हारी लेना। ये राज हमें दे दिया होता तो आप चाहे सुखी में रहती। मैं लेकिन लोहा सिंह से भी इस समय लाखन लोहा सिंह के हिरासत में मैं चलती हूँ इस वक्त लोहा सिंह के पास। उसे बड़ी बड़ी लालच होगी, उसे धन दिखाऊंगी, कहूंगी एक घंटे के लिए हमें राखन सिंह से मिलना है। अरे हमें मिलने का चांस क्यों नहीं देगा, लोहा सिंह है तो मेरा नौकर, जो हम कहेंगे वही करेगा। पिताजी आपने इस महल में बेटी नहीं बल्कि नागर पाला है। मैं कब तुम्हें नागर बनकर दस्तू ये तुम्हें खुद पता नहीं पिताजी कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं। अपने फायदे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरा फायदा हो तो अपने फायदे के लिए मैं अपने जनता को भी सूट कर सकती हूँ। अगर मेरा फायदा हो अपने फायदे के लिए मैं अपने दरबार के कर्मचारियों को भी सूट कर सकती हूँ। अगर सच में मेरा फायदा हो तो अपने फायदे के लिए मैं अपने पिताजी को भी गोली मार सकती। पिताजी सीन तो अभी चालू हुई है, देखना इसका अंजाम क्या होता है।
कि रात को अपने बस में न कर लूं तब तक मेरा नाम नैना नहीं। ठीक है ठीक है, लोहा सिंह, इसी वक्त मैं तुम्हारे पास आती हूँ और देखती हूँ हमारे सवाल का जवाब क्या देती हो। इसी वक्त आती हूँ।